है कि ये रिश्ता झूठ और धोखे के बुनियाद पर बना है? तो तोड़ देते ये रिश्ता। शिव को झूठा कहा, उस पर इल्जाम लगाया। हमारे शिव पर भोलेनाथ की कसम, हमारा शिव कभी झूठ नहीं बोलता। प्यार तुम्हें उससे हुआ, प्रपोज तुमने उसको किया। अरे वो बेचारा तो शादी करना ही नहीं चाहता था, शुरू से ही मना कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उसके जीवन की सच्चाई तुझे पता नहीं थी, इसलिए। शक्ति में कोई कमी नहीं, कमी तो मुझ में है। चाची, आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानती। मेरी गलती है, तुम मुझे नहीं जानती हो। राक्षस हूं मैं, एक शैतान हूं, जानवर हूं मैं। कैसे प्यार कर सकती हो तुम मुझसे? कुछ नहीं जानती तुम मेरे बारे में, कुछ भी नहीं जानती हो मेरे बारे में। वो शादी करने के लिए तब तक राजी नहीं हुआ जब तक उसने तुझे अपने जीवन का पूरा सच बता नहीं दिया। अरे वो बार बार कहता रहा कि मैं सच छुपा के, झूठ बोल के शक्ति से शादी नहीं करूंगा, मैं शक्ति को धोखा नहीं दूंगा। तुमने वो लेटर पढ़ा था, फिर तुम कैसे? सुनो सब लोग, क्या हुआ शिव? मुझे शक्ति से बात करनी है, चलो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना दादी, डॉक्टर शिव ने हमें कुछ नहीं बताया, इनफैक्ट किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। और तो बस शक्ति, बस। भाभी तो तुम बन नहीं सकी, पर मेरे भैया को झूठा बोलकर सबसे बड़ी झूठी जरूर बन गई हो तुम। अरे मेरे भैया ने उनका सारा सच लिखकर उस लेटर में तुम्हें दिया था शक्ति। याद है शक्ति, जब हम पहली बार मिले थे घाट पर, तुमने तो एक ऐसा डॉक्टर देखा जो खून को देखकर डर गया था, पर मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जो किसी अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा था लेटर में नंदू भैया। अरे आप तो हद कर रहे हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे मैंने खुद अपने हाथों से वो लेटर आपको दिया था शक्ति, क्योंकि भैया चाहते थे जब तक वो आप पूरी तरह से पढ़ नहीं लेते ना, तब तक वो इस रिश्ते को हार नहीं करेंगे। रिमझिम, हमें पूरा यकीन है चाची जी ने आप दोनों का सामान यहां पूरा भेज दिया होगा। अब वहां से वो लेटर प्लीज ढूंढ के लाइए। जी। पढ़ लिया आपने, देख लिया,
इस लेटर में ना तो डॉक्टर शिव की पहली शादी के बारे में लिखा है और ना ही उनकी पहली शादी से हुए हुए बच्चे के बारे में। अच्छा, इस लेटर में ये लिखा है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है जिसका नाम कार्तिक है। सब लिखा है इसमें? नहीं, सुना क्या बोल रही है? ये वो लेटर नहीं है। शक्ति, टेल मी समथिंग, ये लेटर आप ही के घर से आया ना? तो फिर लेटर बदल कैसे गया? क्यों झूठ बोल रही हो शक्ति? तुम्हें पता है, जब तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही थी ना, तब शिव भैया ने मुझ पर हाथ उठाया था। इस नंदू ने जो लेटर मैंने शक्ति को लिखा था वो इसने बदल दिया। उन्हें लगा था कि उनका ये लेटर मैंने बदल दिया। पर आप सब लोग देखिए, देखिए, देखिए सब लोग, ये वही लेटर है ना, ये वही लेटर है जो शिव भैया ने मुझे दिया था शक्ति को देने के लिए। जी मम्मी जी, वो लेटर हमारे हाथ नहीं है। अब वो लेटर चेंज कर। इतना ही नहीं, शिव भैया ने तुम्हें एक ग्लास हाउस भी दिया था। अरे उस ग्लास हाउस में भी कार्तिक का कटआउट था। शक्ति, क्यों झूठ बोल रही हो? चाची जी, ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं। नंदू भैया, वो ग्लास हाउस हमें अच्छे से याद है। रात भर बैठ के हमने उसे निहारा, यहाँ तक कि हमने डॉक्टर शिव को फोन भी किया था कहते हुए कि हमें वो गिफ्ट इतना अच्छा लगे, ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी पूरी दुनिया हमें दे दी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज हमसे छुपाया है। उसमें कार्तिक का कोई कटआउट नहीं था। ठीक है, इतना सब कुछ हुआ है तो ये भी हो जाए, ग्लास हाउस यहाँ ला के फिर से देखा जाए। कार्तिक का कोई कटआउट नहीं है। नहीं है, हम दिखाते हैं।
ये क्या है? देखो, गेम्स भी ना सॉलिड होते हैं। लगता है पुर्णेंदु जी के साथ रहते रहते मॉम भी फ्यूचर दिखने लगा है उनको भी। I'm sure कि शक्ति के पास शिव भैया वाला लेटर अभी भी होगा और वो इडियट उसे हमारे घर ले जा रही होगी। वेट, वो लेटर कहाँ है? शक्ति, अब तुम्हारी बातों पर तो क्या, तुम पर भी अब कोई भरोसा नहीं करेगा। दादी, ये हमने ग्लास हाउस अच्छे से देखा था, इसमें कोई कार्तिक का कटआउट नहीं था, हम सच कह रहे। बस करो शक्ति, बस भी करो, और कितना झूठ बोलोगी। ये रहा कार्तिक का कटआउट। अरे जो चीज तुम्हारे सामने रखी है उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हो। अम्मा देखिए किस हद तक गिर गई है ये लड़की। सच में बहुत सुन लिया तुम्हारी बात। तुम सरासर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो हमारे शिव पे। हमारे बच्चे ने तो सब कुछ पता है तुम्हें, सब कुछ, और तुम फिर भी उसे झूठा कह रहे हो। मतलब क्या है हम सब पर ऐसे इल्जाम डालने का? मतलब क्या है तुम्हारा? छी, हमें तुम पे बहुत भरोसा था, लेकिन तुमने हमें बहुत दर्द दिया। गलत किया शक्ति, बहुत गलत किया। माँ, तू परेशान मत हो, ये वो शक्ति नहीं है जिसे हम जानते थे। अरे हमें लगा कि तुम इस घर में आओगी तो हमारे टूटे हुए शिव को जोड़ दोगी, पर तुमने तो उसे और तोड़ दिया। अरे तुम्हें अभी घर में आए हुए पूरे 24 घंटे नहीं हुए हैं और तुमने पूरे परिवार को तोड़ना शुरू कर दिया। पूरे परिवार को गलत साबित करने में लगी हुई हो। हमने सोचा था ये हमारे घर में आएगी तो हमारे शिव के जीवन में मिठास भर देगी, लेकिन इसने आते ही पूरे परिवार में खटास भर दी। कितनी उम्मीदें थी तुमसे शक्ति, कि तुम्हारे आने के बाद मेरे शिव भैया की जिंदगी में वापस वो सारी खुशी आ जाएगी,
पर तुम तो आते ही उनके जान की दुश्मन बन गई। मैं शिव का बाप हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता। और अगर झूठ बोलकर हमें यह रिश्ता करवाना था तो बहुत पहले करा चुके होते, इतने साल इंतजार नहीं करते। पूरा बनारस तैयार है कश्यप खानदान से रिश्ता जोड़ने के लिए। वही तो, हम इस रिश्ते के लिए आगे बढ़े क्योंकि हमें तुम और तुम्हारा परिवार अच्छा लगा, पर मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी झूठी निकलोगी। हमारा शिव कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। अरे छल कपट झूठ से कोसों दूर है हमारा शिव, भोला भंडारी है हमारा शिव। बड़ा धोखा आपने दिया है डॉक्टर शिव। आपकी पहले शादी हो चुकी है और उस शादी से आपका एक बेटा है। अरे उसने तो शादी के लिए मना किया था, वो तो हम सब ने उसे बार बार बोला कि शिव शादी कर ले शादी कर ले, तब भी वो इस शर्त पे माना कि पहले तुम्हें अपना सच बताएगा उसके बाद शादी करेगा। और तुम उसी पे इल्जाम लगा रही हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम बहुत प्यार करती हो ना हमारे शिव से? अभी कुछ ही घंटे हुए हैं तुम्हारी शादी को और इतनी जल्दी तुम्हारा नजरिया बदल गया उसकी तरफ? दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या शिव तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है? Thank you.
दादी, दादी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डॉक्टर शिव हमसे झूठ नहीं बोल रहे। झूठ तो किसी और ने बोला और वो है ये दोनों। पद्मा आंटी और मंदिर आंटी, हम अम्मा ये इन्होंने ही हमारे घर में से काटने का कटआउट गायब किया। इतने टाइम से मंदिर आंटी हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि डॉक्टर शिव से शादी कर लो, डॉक्टर शिव से शादी कर लो। ये सब मंदिर आंटी ने किया, ये सब